नमस्कार, दरभंगा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज से चार दिन पूर्व वार्ड नंबर 22 में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कारण वार्ड नंबर 22 के जीतू गाजी फुलवारी का 15 से 20 घर ऐसा है जिसको प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। वार्ड नंबर 22 के स्थानीय लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस दफ़ा हर बार की तरह इस बार जो आम की मंडी लगती है वह नहीं लगने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ इस मंडी में पटना, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बिहार के अन्य जगहों से यहाँ लोग आम की खरीदारी करने आते हैं, जिससे कि लोग संक्रमित हो सकते हैं। और लोगों का कहना है कि जो आम विक्रेता हैं वह कार्बाइड इस्तेमाल करके यही छोड़ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वही स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस मंडी को कहीं और लगा दिया जाए जब तक के कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं रुकता। वही वार्ड नंबर 22 के पार्षद पति ने नगर थाना में एक एप्लीकेशन भी दिया है, जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं। साथ ही वहां के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो स्थानीय लोग रास्ते को सील कर देंगे। आज से चार दिन पूर्व हमारे वार्ड नंबर 22 में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण हमारे वार्ड नंबर 22 के जीतू गाछी फुलवारी का 15-20 घर का एक इलाका है जो प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारे वार्ड के मोहल्ला के लोगों ने विचार किया कि जो आम की मंडी लगती आ रही है वो इस बार हमारे वार्ड में आम की मंडी नहीं लगाया जाए। कारण है, इस आम की मंडी में पटना, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं बिहार के अन्य जिलों से भारी संख्या में लोग आम की खरीदारी करने के लिए इस मंडी में आते हैं। 5,000 से अधिक लोगों का एक भीड़ इस मंडी में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, जिससे कोरोना फैलने का 100% खतरा उत्पन्न है। इसलिए हमारे वार्ड के लोग चाहते हैं कि इस बार आम का मंडी किसी भी कीमत पर हमारे वार्ड में नहीं लगे, हमारे मोहल्ला में नहीं लगे, ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। उसके बाद हमने आम की मंडी यहाँ नहीं लगे इसके लिए नगर निगम, नगर थाना प्रशासन को भी इसकी सूचना लिखी सूचना मैंने दिया। नगर थाना प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि एसपी साहब के साथ विचार विमर्श करके इस मंडी को यहाँ से कहीं अन्यत्र ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई पहल नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है तो हमारे समाज, हमारे वार्ड के लोगों के द्वारा मिलकर इस इलाके को सील कर दिया जाएगा, घेरा जाएगा और यहाँ से आम की मंडी हटाई जाएगी। आपका नाम? गणेश मंडल, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 22। हमारे अभी जो स्थिति है समझिए 50 साल 60 साल का सब बुजुर्ग सब घर में है, इसको अगर बीमारी फैल जाएगा तो हम लोगों का दशा क्या होगा। बिहार में लीची का भी फसल होता है, ठीक है, तो वो फसल कहाँ का व्यवस्था प्रशासन करे भाई, सीधा सीधा आज मैदान में जाए, यहाँ पे लोगों को व्यवस्था का एक दिक्कत होती है। कल को बहुत परेशानी है। अगर आम की मंडी लगती है दरभंगा गुल्लोवाड़ा में तो आज से पूर्व में देखिए पिछले साल अगर कोई भी यहाँ पे कोई बीमार पड़ जाए, एक भी व्यक्ति एम्बुलेंस यहाँ से दरभंगा टावर नहीं जा सकता, इतना कंसेंट्रेट रहता है ये एरिया, उसके बाद भरा हुआ रहता है। सोशल डिस्टेंस कहाँ से पालन करेंगे? यहाँ डीएम साहब से हम आवेदन करते हैं कि आम की मंडी कहीं शिफ्ट किया जाए, कि वैश्विक महामारी वार्ड नंबर 22 यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा, कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज निकला है, इसको देखते हुए हम निवेदन फिर पूर्वक कहना चाहते हैं कि इसको आम की मंडी को पुनः कहीं शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे गुल्लोवाड़ा में नहीं शिफ्ट किया जाता है तो हम पूरे समाज के लोग एकत्रित होके यहाँ से बांस बल्ला लेके सील कर देंगे।